हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 171 से लेके 180 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये 18वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 17 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 171 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू डाई इन वंस बूट, अपने बूट में मर जाना, इसका मतलब होता है टू डाई वाइल एक्टिवली इंगेज इन वंस वर्क। यानी कि अगर कोई काम करते करते अगर उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सर्विस में रहते हुए अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं टू डाई इन वंस बूट। और ये जो है जनरली आर्मी पर्सनल के लिए यूज होता है, जो आर्मी मतलब लड़ते लड़ते जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए हम ये ज़्यादा वर्ड यूज करते हैं कि टू डाई इन वंस बूट, यानी कि लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, मिस्टर वर्मा डाइड इन हिज बूट। मिस्टर वर्मा जो है वो काम करते करते यानी कि सर्विस में रहते हुए वो मर गए। अगला हम देखते हैं टू गेट द बूट। टू गेट द बूट का मतलब होता है नौकरी से निकाल दिया जाना, यानी कि टू बी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द ऑफिसर हैज गॉट द बूट इन चार्ज ऑफ करप्शन। ऑफिसर को उसके जॉब से डिसमिस कर दिया गया क्योंकि उस पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पे करप्शन के चार्जर लगे हैं और इसका जो बॉस है इसे सर्विस से बाहर निकाल दिया यानी डिसमिस कर दिया है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बूट ऑन सैडल। बूट ऑन सैडल का मतलब होता है रेडी टू माउंट ए हॉर्स, यानी घोड़े पर चढ़ने को तैयार होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, कैवलियर्स आर हैविंग बूट ऑन सैडल टू अटैक द एनिमीज। कैवलियर्स जो होते हैं जो घोड़े पे लड़ाई करते हैं उन्हें कैवलियर्स कहा जाता है, तो वो तैयार हैं इनमी को अटैक करने के लिए, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू हैव वंस हर्ट इन वंस बूट, किसी का दिल जो है उसके बूट में होना, इसका मतलब होता है टू बी डिसहर्टेन, यानी कि काफ़ी दुखी होना या काफ़ी उदास होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हिज रूड बिहेवियर हैज पुट हर हर्ट इन बूट्स। कोई एक लड़का है उसने काफ़ी रूड जो है इसके साथ बिहेव किया है जिसके कारण ये काफ़ी डिसहर्टेंड है, मतलब काफ़ी दुखी है। तो इसे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू पुल वन सेल्फ अप बाई वंस बूट स्टेप, अपने आप को अपने जूते के फीते से ऊपर की ओर खींचना, इसका मतलब होता है टू हेल्प वन सेल्फ विदाउट हेल्प ऑफ अदर, यानी कि बिना किसी की मदद से काम करना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही इज प्रोग्रेसिंग इन बिजनेस बाई लीप्स एंड बाउंड्स बाई पुलिंग हिमसेल्फ अप बाई हिज बूट स्ट्रैप। वो अपने बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और उसमें जो है वो किसी और से कोई मदद नहीं ले रहा है, वो जो है अपने आप मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। तो देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अपना बूट स्ट्रैप ये खुद खींच रहा है, यानी कि ये किसी का मदद नहीं ले रहा है, ये अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है। तो इसे कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये तो काफ़ी आपने सुना होगा कि चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, इसका मतलब होता है बॉर्न इन ए वेरी रिच फैमिली, काफ़ी अमीर घर में जन्म लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देखिए, जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, बहुत ही अमीर घर में पैदा हुए थे, इसलिए इसमें ये यूज हुआ है बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं इन ऑल वंस बॉर्न डेज, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में। वंस बॉर्न डेज का मतलब होता है पूरे जीवन काल, ड्यूरिंग द होल लाइफ। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी हैज डन ए लॉट ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क इन ऑल हर बॉर्न डेज। इन्होंने जो है अपने जीवन काल में काफ़ी सारे उपकार के काम किए हैं। अब आपको कमेंट में हमें ये बताना है कि ये जो लेडीज हैं ये कौन हैं जिन्होंने इतने सारे परोपकारी काम किए हैं। अगला हम देखते हैं बॉर्न अंडर लकी स्टार, इसका मतलब होता है कि बॉर्न इन एन ऑस्पिशियस मोमेंट, यानी कि काफ़ी शुभ मुहूर्त पे अगर कोई पैदा होता है तो उसे हम बोलते हैं बॉर्न अंडर लकी स्टार। जैसा कि सेंटेंस में यूज देखिए, मिस कासवी बॉर्न अंडर लकी स्टार्स, यानी मिस कासवी जो हैं वो बहुत ही शुभ मुहूर्त में पैदा हुई थी। अगला हम देखते हैं टू बोरो ट्रबल। बोरो ट्रबल का मतलब होता है कि वरी अननेसेसरली, बिना मतलब का परेशान रहना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, मिस कृतिका ऑलवेज बोरोस ट्रबल। मिस कृतिका जो है ये क्या है, बिना मतलब का हमेशा परेशान रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी परेशान रहना। तो इसको कहते हैं कि बोरो करना ट्रबल, कि भाई हमें परेशानी दो, परेशान हम हैं नहीं लेकिन हमें परेशानी दे दो। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा।
अगला हम देखते हैं टू बॉस द शो। बॉस द शो का मतलब होता है टू कंट्रोल एवरीथिंग, सभी चीजों को कंट्रोल करना, या आप कह सकते हैं कि सारा काम को संभाल लेना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी बॉसेस द शो इन एवरी इलेक्शन। जितने भी इलेक्शन होते हैं, सेंटर का इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, नरेंद्र मोदी जी जो है क्या पूरे चीजों को कंट्रोल करते हैं, सारा काम धाम सब ये संभाल लेते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। तो होप आपको ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे और आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। मैं डेली बेसिस पे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाता हूँ और अभी तक हमने 180 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए हैं अभी तक। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।